चल दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्टबुक चैनल पर। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने साइंस की क्लास जो है सैटरडे संडे को नहीं ली। ऑब्वियसली मंडे टू फ्राइडे हमने ये सीरीज रखी हुई है कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे और हर हफ्ते कुछ नया कंटेंट उठाए। और मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो चुके हैं, आज ये थर्ड वीक है ना। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और देखिए, इसमें मैं आपके ना जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो अगेन मैं कहूँगा कि 70 क्वेश्चन मैं एटलीस्ट कराने की कोशिश करूंगा, 70 से ज्यादा ही कोशिश करेंगे, है ना। स्पीड रखिएगा सो डेट की ज्यादा क्वेश्चन। नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अगेन इस हफ्ते जो क्वेश्चन चलेंगे वो पिछले वाले हफ्ते से अलग होंगे। मैंने हर वीक अलग अलग सब्जेक्ट एग्जाम के साइंस के क्वेश्चन कराए। तो सबसे पहला वीक था उसमें मैंने एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। तो इससे नेक्स्ट वीक गया था, इसमें मैंने एसएससी के जितने साइंस के क्वेश्चन थे कराए थे। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके जो है वो रेलवे के अन्य एग्जाम जो है, आरपीएफ हो गया, टेक ग्रुप डी, इन सब के करवा रहा हूँ। इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आप हर एक एग्जाम के साइंस के क्वेश्चन कवर कर, ठीक है ना। सर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सैटरडे संडे ऑफ ना किया करो, आदत चेंज आती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मेरी भी होगी लेकिन अब नहीं होगी, है ना। चलो स्टार्ट कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं अभी इसके बाद पीडीएफ डाल के आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है। और ये हमारा जो है ना टीम है पूरा जो पढ़ा रहे, जैसे मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ तो दिव्या मैम 8 बजे जो है जीके पढ़ाएंगी, तो योगेश सर 9 AM पर पढ़ा रहे हैं मैथ्स, फिर रीजनिंग, गरिमा मैम। तो ये 4 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं रेलवे में, तो आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी रेलवे। रेलवे के कोर्सेज आपके लिए बहुत जो है कम प्राइस पे है, उसको आप यूटिलाइज करिए। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, नए नए क्वेश्चन है आज, ठीक है। बताइए व्हाइट फॉस्फोरस जो है किसके अंदर रखा जाता है? बताइए ठंडे पानी में, अल्कोहल में, या केरोसिन में, किस में व्हाइट फॉस्फोरस को रखा जाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? बेटा शेयर करना सभी के सभी, जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से पूरी शेयर कर देना। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठंडे पानी में, है ना। नहीं तो ये रिएक्ट कर जाता है, व्हाइट फॉस्फोरस जो है ठंडे पानी में रखा जाता है। बेटा जो केरोसिन बता रहे हैं, केरोसिन आंसर नहीं होगा, ठीक है, केरोसिन आंसर नहीं है। व्हाइट फॉस्फोरस का आंसर जो है कोल्ड वाटर है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, गोल्ड को किसमें रखा जाता है? तो आंसर है एक्वारीजिया, वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, रूम टेम्परेचर पे मेटल जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, मेटल नॉन मेटल दोनों में से किसी का भी हो सकते हैं, शेयर करना। जैसे अभी ये मेटल की बात करूँ तो मरकरी है, ठीक है, अगर इधर नॉन मेटल की बात करूँ तो ब्रोमीन हो जाता, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, कल सुबह अब क्लासेस रिज्यूम कर दिए, मैंने संडे को ऑफ रखा लेकिन अब क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो गई है, तो कल सुबह 8 बजे क्लास जो होती है वो भी होगी, ठीक है, सभी क्लासेस होंगे, मतलब लेक्चर सारे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, मिक्सिंग ऑफ कंसेंट्रेटेड एसिड और बेस, जैसे मान लीजिए हमने एसिड वाटर में मिलाया तो कैसी रिएक्शन होगी? देखो सिंपल सा है, मान लीजिए एसिड वाटर में रिएक्ट किया तो उसके बाद हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। हीट प्रोड्यूस होने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जनरल पेंड्रम जो है किसके द्वारा किताब लिखी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताइए? आंसर क्या, जनरल पेंड्रम जो है किसके द्वारा किताब लिखी गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। चलिए बेटा आप जिस जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक बार ना एग्जाम का भी नाम लिखो, बड़े दिन हो गए आपसे यही सवाल पूछे। आपके एग्जाम बदल तो नहीं गए? क्योंकि एसएससी जेई के भी बच्चे इधर पढ़ने आ जाते हैं, रेलवे वाले तो पढ़ ही रहे हैं, एसएससी के और अन्य एग्जाम्स के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक बार एग्जाम का नाम लिखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है लेनेगा से। एक और क्वेश्चन देखिए, फिलामेंट जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बनता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का बनता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आसान है, ये टंगस्टन ही यूज किया जाता है, ठीक है। सर 9 AM वाला टेस्ट नहीं होता है क्या? डियर मैं ना थोड़े दिनों के लिए 9 AM के टेस्ट को होल्ड पे रखा हूँ, क्योंकि मेरे अन्य लेक्चर्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो इसलिए मैं 9 AM वाला क्लास अभी नहीं कर रहा, ठीक है। मैं कराऊंगा टेस्ट, जरूर स्टार्ट कराऊंगा, एक बारी कुछ पेपर होने दो, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए डायमंड ग्रेफाइट से हार्डर होता है? बिल्कुल सही, दोनों कार्बन एलोट्रोप्स है, फिर भी डायमंड ग्रेफाइट से हार्डर किस वजह से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन, सर मेरा एज 29 ईयर है, ओबीसी है, रेलवे वैकेंसी अपीयर हो सकते हैं? देखो हो तो सकते हो, डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम आ गया। देखो डायमंड हार्ड किस लिए होता है, क्योंकि उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है, ठीक
ग्रेफाइट से। और डायमंड का स्ट्रक्चर देखोगे वो अलग है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे वो अलग है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पल्सेस जो बनते हैं, ये किसका पल्सेस जो है, ताले जो होते हैं, दलहन जो होते हैं, वो किस कैटेगरी से है? लेग्यूमिनस कैटेगरी से। आंसर है लेग्यूमिनस, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन सोल्व करिए। देखो क्वेश्चन ना ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो, सो डेट की आपकी साइंस है, आप साइंस की सीरीज को ना ऐसे लेके चलोगे, एटलीस्ट एक बार एक क्वेश्चन देख लें। अगर आप देखोगे नहीं तो पेपर में अगर अनदेखा क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत की बात है ना। चलिए डियर भाई सूरज, मैं इसके लिए तो मैं कहूंगा कि मैं नहीं करा रहा, ठीक है। इसमें तैयारी यूपीएससी के लिए आपको अलग एजुकेटर से पढ़ना चाहिए, इन केस यू आर प्रिपेयरिंग स्पेशली फॉर यूपीएससी। अदर एग्जाम एसएससी हो गया, सीबीएस हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, एसएससी जी हो गया, इन सब एग्जाम के लिए, सीपीओ के लिए, इन सब के लिए मैं आपको जरूर कहूँ, ठीक है। चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का आंसर, सैफ्रॉन जो प्रोड्यूस होता है, देखो जो केसर है प्लांट के कौन से भाग से प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल डियर सीपीओ के लिए है। आंसर स्टिग्मा। और ये सैफ्रन के ऊपर क्वेश्चन आता है, सैफ्रन के ऊपर कि भाई कौन सा लैंड एरिया है जहाँ पे सैफ्रन उगाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट करिए। अरे वुमेन्स हैव द शिल वॉइस, बिल्कुल किस वजह से? सिंपल सा है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, वुमेन्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और मेन्स का ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, इस तरीके का, तो उससे हमें साफ हो गया हाई फ्रिक्वेंसी है तो शेल वॉइस होगी, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी है तो अलग वॉइस होगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन विटामिन बी नाइन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, फॉलोइंग ऑर्गेन ओपन इन द, देखो कौन सा ऐसा ऑर्गेन है, जैसे स्टमक की अगर मैं बात करूँ, स्टमक की आंसर, स्टमक अगर है तो उसका जो पालरस है, ये उसका ये जो पार्ट है पालरस, ये सीधा किस में जाता है, आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है। तो सिंपल सा है कि स्टमक का जो पालरस का जो हिस्सा है इसी से छोटी आंत में जाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिए कनेक्टिविटी है SP, ठीक है, आई, ठीक है, इस तरीके से याद रख लो, क्योंकि स्टमक है फिर किससे पालरस होता है उधर से छोटी आंत में खाना जाता है, प्रोसेस थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, जो है याद रखना। नहीं भाई सूरज, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप में से कौन कौन जो है संडे को लेक्चर की वेट कर रहा था कि भैया हाँ लेक्चर ये हो जाएगा, पूरे दिन नहीं क्लास क्लास कर पाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सारी क्लासेस रिज्यूम कर सकते हैं। कैलाइट जो है ये किसका ओवर है, जल्दी से देखें, कैलाइट जो है किसका ओवर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछा है एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइट है ना, एल्युमिनियम का क्या है, ज्यादा क्वेश्चन आता है एल्युमिनियम पे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, डेथ सप्तान जो फॉयलम में प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है, बताइए। फॉयलम फाइबर, या देखो ये टिश्यू चैप्टर का क्वेश्चन, आप ना पहले ना अगर आप किसी भी चैप्टर क्वेश्चन को देख के ये कैटेगराइज कर पाओ ना किस चैप्टर का है, ये समझ लो तैयारी अच्छी हुई है साइंस की। नहीं कैटेगराइज कर पाओ तो फिर तो भाई दिक्कत है, फिर आपको ये नहीं पता किस चैप्टर का हिस्सा है तो सोल्व कैसे करोगे। आंसर है फॉयलम फाइबर है, डेड सब्सटेंस जो होते हैं फॉयलम में, फॉयलम फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बढ़िया आंसर क्या इस क्वेश्चन का, तो आंसर इस क्वेश्चन का पास कर लो। एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आर सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, आसान क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में ना जैसे ये कि भाई कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करेगा, तो आंसर कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक किस कैटेगरी का है, ये भी क्वेश्चन जरूरी आता है कि भाई उत्प्रेरक कौन सा मीडियम में है, ठीक है, एक्वस मीडियम में है, ठीक है, या मॉलिक्यूल फॉर्म उसकी क्या है, उससे भी डिपेंड करता है कि उत्प्रेरक कितना काम करेगा, कितना रिएक्शन को बदलेगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ ऑन रेगुलर इंटरवल, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो ऐसे मूवमेंट है, जैसे मान लीजिए पेंडुलम को ही ले ले, ठीक है, पीरियोडिक मोशन में, तो ये रिपीट करता है अपने आप को, ठीक है। चलते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर है पीरियोडिक टेबल।
चलिए एक और क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी लगा रहे कुछ बच्चे, क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है सर, जीएस इंटरनेशनल लेवल पर करा दो। भाई इंटरनेशनल लेवल की कौन सी जीएस हुई, नेशनल लेवल की? अच्छा वर्ल्ड, वर्ल्ड लेवल पे पूछ रहे हो कि मतलब, वो तो फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पोर्शन हो गया ना। इंटरनेशनल लेवल की कौन सी जीएस हो रही है आजकल? चलिए एक और क्वेश्चन देखें, अर्थ का सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला इसमें से कौन सा एलिमेंट है? बताइए कौन सा एलिमेंट सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो, सबसे ज्यादा पाया जाता होगा, मतलब बेसिकली ऐसे मिनरल वाले भी क्वेश्चन मैंने करा रखा आपको। ठीक है तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑक्सीजन। ठीक है बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर ऑक्सीजन। एक और क्वेश्चन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो आपने ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला देखा होगा कि कितना होगा, M1 ठीक है इनटू M2 अपॉन R2 कैपिटल जी एन ऑल। इसमें जो है कह रहे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस बॉडी पे अप्लाई होता होगा। देखो बड़ा सिंपल सा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस पे अप्लाई होता होगा, किसी भी बॉडी पे, किसी भी बॉडी पे अप्लाई होता है। ऑब्वियसली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मास पे, किस भी बॉडी का अगर मास होगा तो उस पे अप्लाई होगा ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी? चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, सिल्वर इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है सिल्वर इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, 1 kWh की वैल्यू किसके बराबर है, मेगा जूल में जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक है 3.6 मेगा जूल, 3.6 मेगा जूल। एक और क्वेश्चन, पेट्रोलियम मिक्सचर है किसका, पेट्रोल किससे बनता है? ठीक है कार्बन हाइड्रोकार्बन से। ठीक है हाइड्रोकार्बन से पेट्रोल जो है बनता है, मिक्सचर किसका होता है, वो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। बेसिक क्वेश्चन था ये। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे क्योंकि ना यार देखो कह रहा है प्लांट और सेल के बीच में क्या डिस्टिंग्विश करते हैं, इवन जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल भी एक क्लियर डिफरेंस है और क्लोरोप्लास्ट भी एक क्लियर डिफरेंस है। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, इवन सेल वॉल का भी डिफरेंस हो सकता है कि प्लांट सेल में होता है एनिमल में नहीं होता। ठीक है सेम वैसे ही डिफरेंस क्लोरोप्लास्ट का भी। चलिए बताइए, अपवर्ड फोर्स ऑन अ फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट? ठीक है किसी भी चीज पे जब, जैसे मान लीजिए पानी बीकर है उसमें हमने जग दबा दबा के डाल रहे हैं तो वो ना अपवर्ड फोर्स डालता है ऊपर की तरफ, तो वो जो फोर्स होती है 9th क्लास NCERT में आपने पढ़ा होगा आंसर इस क्वेश्चन का, बॉयंट फोर्स। कौन सी फोर्स? बॉयंट फोर्स कहते हैं, बॉयंसी कह लो या बॉयंट फोर्स कह लो। ठीक है ना। चलिए भाई सागर भारती, मैं तेज तो पढ़ा ही नहीं रहा, रात की क्लास तो वैसे भी इतनी स्लो चलती है, इतने में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? ठीक है आप पेपर के हिसाब से देखो ना, आपको साइंस के क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करने चाहिए। फलों को पकाने के लिए इसमें से क्या चाहिए? इथाइलिन। एक और क्वेश्चन देखिए, मतलब बेसिक से आए इसमें, ये भी क्वेश्चन, ये गैसेस फॉर्म में होता है प्लांट हार्मोन, किस फॉर्म में होता है? गैसेस फॉर्म में होता है प्लांट हार्मोन, और अंधेरे में ज्यादा जो है काम करता है, बाकी इसके अलावा कोई ऑप्शन में था भी नहीं प्लांट हार्मोन का। ठीक है तो क्वेश्चन तो बनना ही था। एक और क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा ब्लीचिंग एजेंट में हम आम तौर पे ब्लीच करने के लिए क्या यूज करते हैं? क्लोरीन का। इवन वाटर ब्लीच करने के लिए क्लोरीन का यूज होता है। एक और क्वेश्चन देख, कौन सा डायमेंशन है जिसका, कौन सा सा डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज इंपल्स? इंपल्स के जैसा ही डायमेंशन किसका है, बताइए किसका डायमेंशन इंपल्स, इंपल्स के जैसा डायमेंशन है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। आंसर मोमेंटम। ठीक है मोमेंटम इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे ही वाला क्वेश्चन हो गया। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कॉमन नेम है वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? देखो फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं या कंपाउंड नेम पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जैसे बोरेक्स हो गया, ठीक है बेकिंग सोडा हो गया, ब्लीच हो गया, इन सबके कंपाउंड नेम पे क्वेश्चन है, तो बेकिंग सोडा है ऐसे वॉशिंग सोडा पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है चलिए, हाँ भाई देखो सही है, एकदम सही है। ठीक है एरोसोल कैन जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया, जल्दी से बताइएगा, बड़ा ये मुश्किल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो मुश्किल होते हैं,
मैं बस यही कहता हूँ कि जिसके इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है वो जीके निकाल जाएगा, एसएससी रेलवे की तो पक्का। आंसर इस क्वेश्चन का एरे ग्रोथ है, ये चीज है कि फैक्ट आपने पढ़े होंगे तो आप बढ़िया से निकाल दो क्वेश्चन, नहीं फैक्ट पढ़े होंगे तो नहीं निकलते हो। ठीक है, समझ रहे हो? फैक्ट पढ़ने शुरू कर दो, उन्हें याद करना, मॉर्निंग में उठ के पढ़ लो थोड़ा सा, रात को पढ़ के सो थोड़े से। ठीक है, फैक्ट पॉइंट पकड़ पकड़ के याद करने पड़ेंगे तब जाके होगा। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कौन सी होगी बताइए? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिट की फॉर्म में। ठीक है, मॉर्निंग तो आप, अरे यार एसएससी जेई की क्लास में सो नहीं रहा था सुबह, कि मैं क्लास लेने अवेलेबल नहीं था, स्टूडियो में ही नहीं था मैं। ठीक है, मेरे को ट्रेवल करना पड़ा संडे को, फिर मंडे को भी मैं सुबह ही नहीं पहुंच पाया, दोपहर को पहुंचा हूँ। मॉर्निंग तो आप सोते रहते हो 8 बजे एसएससी जेई वालों के लिए। मैं कल लेके आऊंगा ना क्लास, कल से आपके एसएससी जेई की क्लास सुबह वाली स्टार्ट है। ठीक है, चलिए आंसर के इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन है एम्पीरियल पर मीटर क्वेश्चन, आंसर है क्वेश्चन देखिएगा। सेल की स्टडी क्या है? साइटोलॉजी है ना, साइटोलॉजी स्टडी है, ऐसे टिश्यू की स्टडी, हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी। आप कल से 8 बजे वाली क्लास हो, नहीं तो कल आज भी थी, अगर मैं स्टूडियो पे पहुंच जाता तो मैं 8 बजे आज भी क्लास ले रहा होता। ठीक है, कल तो होनी होनी है, समझ रहे हो? चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे वाला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का इन्वेंशन किसने किया? ठीक है ना, साइंस के आंसर तो मैं नींद में भी बता सकती हूँ। नींद में ये जादू बाकियों को भी बता दो, तो रेड की कुछ हो जाए। आंसर है इस क्वेश्चन का एडवर्ड टेलर, इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो जितने भी, जैसे निकोल टेस्ला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं, माइकल फराडे, फराडे लू दिया गया। ठीक है, डायमेंशन ये हो गया क्वेश्चन, पता हीगा जो जो हेडलाइट ग्लिटर करती है वो किस वजह से, पता ही तो एलिमिनेट, जो जो ग्लिटरिंग है, जैसे मान लीजिए इसमें ये पूछा है कि उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना, जैसे मान लीजिए। ठीक है बेटा, क्लास हुई नहीं भाई, निंजा 2 दिन क्लास नहीं हुई, मैं बता तो रहा हूँ ना, पता कैसे चलेगा क्लास का? तभी पता चलेगा जब क्लास होगी। क्लास मैंने कराई नहीं संडे को, क्लास मैंने सुबह 2 क्लासेस नहीं कराई। ठीक है, मैंने शाम से क्लास स्टार्ट कराई, शाम को 7 बजे क्लास कराई, अभी भी करा रहा हूँ, कल भी सुबह होगी, तो मतलब जब क्लास होगी तभी तो लिंक आएगा ना क्लास का। एक दिन लिंक नहीं है कहने का मतलब क्लास हुई नहीं। यहाँ भी कह रहा है कि भाई जैसे सामने से गाड़ी की आपके ऊपर ग्लिटरिंग लाइट्स पड़ रही है, तो आप उसका क्या इलाज निकालते हो कि आप चश्मा पहन के रखते हो? तो वही चीज है, पोलराइड्स आर यूज, सिंपल सा है। ठीक, या फिर आप पहन लो या फिर लाइट को बना दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर जो है कितने कार्बन होते हैं इसमें? आसान क्वेश्चन ये तो है ना, आंसर क्या है? चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन? अरे यार नहीं सोलर था भाई, कार्बन 60 इस क्वेश्चन का आंसर, C60 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये कार्बन का एलोट्रोप है, क्या है? कार्बन का एलोट्रोप है जिस पे क्वेश्चन बनता है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए, फीडबैक मैकेनिज्म को किस पे डिपेंड करता है? हॉर्मोन्स पे। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि हमारे शरीर में क्या आउटपुट आएगा किस चीज का, तो वो हॉर्मोन पे डिपेंड करता है कि किसका क्या आउटपुट रहेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, जो था बोलेंगे इज नॉट अ एंडोस्पर्मिक सीड, छोड़ेंगे ये क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉबल गैस कैन फॉर्म कंपाउंड, इसमें से कौन सा नॉबल गैस है जो कंपाउंड बना सकता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आज आपके 2 लेक्चर हुआ है ना, सिर्फ 7 बजे का, ये दोनों का पीडीएफ मैं अभी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ज़ेनोन इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा कार्बन है जो प्योर फॉर्म में, ठीक है ना, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइए सर, एक बार क्वेश्चन पढ़ने दो, आकांक्षा बिष्ट आप क्वेश्चन पढ़े, इतना सेकंड का काम है। 1 मिनट आप लगाएंगे, दूसरे मिनट में आप आंसर देंगे, तीसरे मिनट में मैं रिप्लाई दूंगा, काम नहीं बन पाएगा। आंसर है कार्बन ब्लैक, अब इसमें सारे डायमंड लगाते हैं आंसर, आधे ज्यादा बच्चे डायमंड लगाते हैं भाई, सबसे महंगा प्योरस होगा तो कार्बन ब्लैक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन बाइल, ऑर्गन बाइल जो है किसमें स्टोर किया जाता है? ठीक है, चलिए आंसर, जैसे अगर मैं बात करूं कि बाइल की, अगर मैं बात करूँ किसमें स्टोर किया जाता है, तो आंसर लीवर।
देखो वाइल इमल्सिफिकेशन एंड ऑल ये सब भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि भाई इमल्सिफिकेशन किसमें होगा, तो ये भी क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन देखिए, सोरिया लैक्टरिडिया जो है ये क्या छिपकली का नाम है क्या? मतलब इन्हें पहले भी सुबह भी कहा था साइंटिफिक, सुबह नहीं शाम को भी कहा था साइंटिफिक नेम पे काम कर लेना थोड़ा सा, बाकी साइंस की क्लास में वो कर ही लोगे। सर तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है कि देखो नाम थोड़ा सा ना थोड़ा सा हिंट देता है, पता क्या है? आप कोई कहेगा सर कैसे आपको कैसे हिंट मिल गया, नाम से क्या हिंट मिल रहा है? छिपकली तो लिखा नहीं हुआ, आप कह रहे सोरोलॉजी इलेक्ट्रोडिया लिखा हुआ, नाम से हिंट मिल रहा है। नाम से हिंट कैसे मिलता है? हिंट उसी चीज का मिलता है जिस चीज में नॉलेज। सोरोलॉजी किसकी स्टडी होती है? सोरोलॉजी किसकी स्टडी होती है? अगर आपको ये कहीं ना कहीं भी पढ़ा होगा तो आप कहोगे कि हाँ भाई ये वर्ड तो वैसे ही दिख रहा है, ये तो निकाल सकते हैं हम, है ना? एक और क्वेश्चन देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या। सर एक और क्वेश्चन देखिए, हार्ड कोल कंटेनिंग लिटिल वॉलेट वॉलेटाइल मेटल, इसमें से कौन सा है? तो आंसर है एंथोसाइट। देखो एंथोसाइट बढ़िया कोल होता है, ठीक है, और बढ़िया होने के साथ, ठीक है, ओके ओके मधु, हम जो है थोड़ा सा धीरे कर देंगे, लेकिन ना फिर धीरे करने के बाद ना फिर सोचना पड़ता है कि आप कब आंसर दो। एंथोसाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल होता है ना, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा है, तो यही हार्ड कोल है। बाकी सॉफ्ट कोल होते हैं, ब्राउन कोल होते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं करना। अब जैसे कह रहा क्लोरोफाइट किस कलर के है, जैसे रोडोफाइट लाल है, फाइकोफाइट ब्राउन है, ऐसे क्लोरो तो क्लोरोफिल का हो गया ना, पत्ते हरे होते हैं, हरे मतलब क्लोरोफिल, ठीक है, तो भाई क्लोरोफाइट किससे संबंधित होगा? ग्रीन से ही संबंधित होगा, है ना? हिंट क्लियर दिखाई देता है इसमें, ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या आंसर हो चाहिए। चलिए बताइए, कोलोइडल सॉल्यूशन कॉमनली जो आंखों आंखों के ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं? सुरमा डालते हैं, और वही चीज आपके ऑप्शन में जो है सी नंबर भी दे रखा है। क्या लिखा हुआ है? एंटेनो, एंटीमोनी लिखा हुआ, और ये क्या है? सुरमा। एक कोलॉइड्स होता है वो कोलॉइडल, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए। अरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी पेलोरा इज फाउंड, अब जैसे जैसे मैंने अभी पालरस का क्वेश्चन कराया तो वो क्वेश्चन आसान था, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए। करो अटेम्प्ट, कटो जितना हो सकता है करो। चलो तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलो तो आंसर इस क्वेश्चन का लंग्स, ठीक है, लंग्स इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, लिम्फ कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग, लिम्फ क्या कैरी करता है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का। देखो लिम्फ कैरी करता है फैट, ठीक है ना? चलिए आंसर इस क्वेश्चन का फैट। ऐसे आपका ना ब्लड सेल्स का क्वेश्चन आ जाता है, आर्टरीज का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वेन्स का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या क्या कैरी क्या करता है, ठीक है। चलिए बेटा देखो, साइंस हमें 2 हफ्ते हो गए पढ़ाते हो, अब इतना बेसिक क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। हमने पहले हफ्ते में जो क्वेश्चन किए थे वो आसान थे, फिर थोड़ा सा एवरेज किया, आज मैं दोबारा आसान ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ना इसको ना सही करना है, एक्यूरेसी भी तो बढ़ाओ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे थोड़ी क्वेश्चन देखने आते हो, क्वेश्चन देख के बस ऐसे थोड़ा खुद से भी कोशिश करो कि सही आंसर होगी नहीं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, अब जैसे मिल्क है इसमें और लैक्टो कहीं नहीं लिखा, लेकिन आंसर है हाइड्रोमीटर, लैक्टो वर्ड नहीं लिखा लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात होगी। चलिए एक और क्वेश्चन, ऑफियोलॉजी किसकी स्टडी है, बताइए आंसर के इस क्वेश्चन में, ऑफियोलॉजी किसकी स्टडी है, कमेंट करिए।
चल तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का? स्नेक। स्नेक ऐसे जैसे सोरोलॉजी बताया वैसे। ठीक है, ये सूरज अब नहीं पढ़ाते हैं अभी हम। ठीक है, चलिए आंसर इस क्वेश्चन का ये स्नेक। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, कैसे ये क्वेश्चन हो गया बताइए। साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट बेसिक है कि जो एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की पूरी साइकिल होती है ना, वो कौन सी साइकिल है? आंसर सुन, बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, कन्वर्ट होगा नाइट्राइड में, कन्वर्ट होगा अमोनिया में, कन्वर्ट होगा, ये सब जो है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का। पीडीए काटने से तो भैया फॉर्मिक एसिड आता है, इंजेक्ट होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, जैसे प्लांट का स्ट्रक्चर इंटरक्शन दोनों की बात करूँ, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किस स्टडी के थ्रू होता है? बताइए आंसर क्या। ठीक है, सोल्व करो जल्दी से बताओ भाई। वीडियो को ना शेयर भी कर देगा सभी सभी, सारे आंसर प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। अभी मैं चैप्टर वाइज भी लेके आने वाला था, लेकिन मैं सोचा थोड़ा सा ना एक हफ्ता और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाए, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थोड़ा अंदाजा हो जाए कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का कि प्लांट की स्टडी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, फाइटोमोर्फोलॉजी। एक और क्वेश्चन देखिए, वेयर इज ट्रांजिस्टर मोर लाइकली टू फाइंड? ट्रांजिस्टर इसमें कहाँ पे ज्यादा यूज किए जाते हैं? बताइए आंसर क्या। ट्रांजिस्टर किसमें? जैसे किसी को व्यक्ति को सुनने में दिक्कत है तो वो हेयरिंग एड लगाता है और ट्रांजिस्टर ही रखता है उसमें। ठीक है, तो वही है, ऐसे हेयरिंग एड के साथ साथ और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, इसमें एनेस्थेटिक एजेंट इसमें से कौन सा है? कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है? जल्दी से बताइए। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है? तो आंसर इस क्वेश्चन का डाइइथाइल ईथर। एक और क्वेश्चन देखिए, एग्जाम प्लांट हार्मोन का उदाहरण, तीनों के तीनों उदाहरण है वैसे, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। इथाइलिन इज ऑल्सो द उदाहरण। ठीक है, जो है साइटोकिनिन जिबरेलिन ऑक्सिन तो है, ये क्या कहते हैं इसे? पॉजिटिव हार्मोन से। ठीक है, पॉजिटिव प्लांट हार्मोन है। ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? समझ गए आप? बेकिंग सोडा, मैंने ये अभी शायद कराया है बेकिंग सोडा का, तो अभी मैंने क्वेश्चन बोला ना। बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन में, बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होगा इसमें, मतलब नाम कंपाउंड का नाम क्या होगा? सर तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बेकिंग कंपाउंड नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलिए चलिए दे देंगे दे देंगे। कैलनाइट जो है और है किस मेटल का? ये शायद अभी किया हमने, पोटेशियम ये नहीं किया ना? ऐसे प्लांट जिसमें फूल नहीं होते, वो प्लांट किसका अंग बोलते हैं? ठीक है, बताइए। चलिए आंसर, जैसे है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि फ्लावरलेस प्लांट क्या है, उनको हम क्या कहते हैं? तो आंसर इस क्वेश्चन का बेटा, जो मैं अभी क्लास करा रहा हूँ इससे आपकी रिवीजन सच में हो सकती है। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर लो जितने हो सकते हैं उतने करके छोड़ दो, क्योंकि पूरे रात अभी 11 से 12 बजे करते भी क्या, मैं बर्बाद फोन चला चलूंगी है ना, तो बस काम करो। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए कार्बन पार्टिकल्स को रिमूव करने में कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं? सर करंट अफेयर कब रखोगे? अभी नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखो, कार्बन पार्टिकल रिमूव करें, इलेक्ट्रोफोरेसिस है वैसे, सेडिमेंट्री प्रिसिपिटेशन हो गया। ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, किंग ऑफ मेटल कौन सा है? ठीक है, गोल्ड है और सबसे महंगा। ठीक है, सबसे यूनिक। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए जल्दी से बताइए क्या है आंसर। कॉमनली सोडियम को किसने, जैसे अभी हमने करा था ना फॉस्फोरस का, तो कोल्ड वाटर लगाया था, अब जैसे ये क्वेश्चन लेगा सोडियम का, तो आंसर क्या लगेगा? चलो तो आंसर क्या लगेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है कैरोसिन। ठीक है, अगर फॉस्फोरस वाला होता तो कोल्ड वाटर होता, सिंपल सा है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखो, बताओ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोकल वैरायटी। अब जैसे पिटमलस लिग्नाइट पिट है, डोलोमाइट क्या कोल्ड वैरायटी है? पिट लिग बिट एंथ्रा, एंथ्रासाइट भी है, विटमलस भी है, लिग्नाइट भी है, पिट भी है, लेकिन जो डोलोमाइट है ये नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो, डीडीटी को अगर हम फसल में फेंकते हैं, पॉल्यूशन होता है, बिल्कुल सही,
लेकिन पोल्यूशन किसका, अगर मैं फसलों में फेंक रहा हूँ ठीक है, तो पोल्यूशन किस चीज का होना चाहिए, सोचो थोड़ा सा, कॉमन सेंस वाली बात है ये तो, कि अगर मैं फसल में ही फेंक रहा हूँ तो फिर किस में होगा, ठीक है, सोयल और पानी में है ना, हवा में थोड़ी होगा, फसल तो जमीन पे लगती है ना, हवा में थोड़ी लगती है, ठीक है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन कमेंट करिए, तो पॉलीस्कोडस स्कैवेंजर्स तभी कहते हैं, जो भी सड़ा हुआ रह जाता है वो इसको कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये कौन से हैं जो स्कैवेंजर्स कहे जाते हैं, बताइए आंसर के। चलिए जो क्वेश्चन का आंसर है फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है बाबा, फंजाई और बैक्टीरिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकेरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यूकेरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो किसके बनते हैं, तो आंसर के दोस्तों आंसर फॉस्फोलिपिड। अच्छा पूछ सकता है ये वाला टाइप का क्वेश्चन करना है आपने, वो कौन सा केमिकल है जो आम को पकाने में चाहिए हेल्पफुल। देखो सिंपल सा है, जैसे नेचुरली तो एथिलीन से होगा, लेकिन अगर मैं कैल्शियम ठीक कैल्शियम कार्बाइड को यूज करूँ तो आर्टिफिशियली भी पका सकता इसको आम को, ठीक है, नेचुरली का बता दिए। ऑयल डेफिनेटली ट्यूलिप जो है ये जो स्टेम के टाइप है, किस टाइप के, किस टाइप के स्टेम है, जल्दी से देखिए उसको सुना हो सके, कमेंट करो बताओ आंसर क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है बल, ठीक है। विच वन इज अ मिनरल ऑफ एल्युमिनियम, देखो मिनरल मतलब या तो फिर हम और वर्ड यूज कर लें या तो फिर मिनरल, ठीक है, बॉक्साइड है, बॉक्साइड में से ही एल्युमिनियम निकलता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, विटामिन कंटेन कोबाल्ट, कौन सा विटामिन जिसमें कोबाल्ट था, B12 में है, ठीक है, किसमें, B12 में। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विटिकल्चर जो है किसके लिए है, बताइए आंसर, विटिकल्चर किसके लिए, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विटिकल्चर किसके लिए है, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विटिकल्चर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कह रहे हैं मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है, इसमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी क्या वाटर की होती है या किसी और की होगी, एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, ऐसा सुना है तो सही आंसर होगा, अगर ऐसा नहीं सुना है तो लगा ही नहीं पाओगे। एट 4 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस पे, ये भी पूछा था क्वेश्चन कि भाई कितने डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो आंसर 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है और सबसे ज्यादा। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हुए, ओके एक सेकेंड और रुकिएगा, एक सेकेंड और रुकिएगा। क्या हुआ, बताइए आंसर के इस क्वेश्चन, अरे खत्म नहीं हुई है क्लास, कहाँ खत्म होगी, सीरीज दूसरी लगाई थी। चलिए बताइए आंसर के इस क्वेश्चन, वेजिटेबल्स आर स्पॉइल्ड बिकॉज दे कंटेन रिच अमाउंट ऑफ व्हाट, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, सब्जियां ना, देखो बाकी चीजें इतनी जल्दी खराब नहीं होती जितनी सब्जियां जल्दी खराब होती है, कारण क्या है, किस वजह से ऐसा क्यों कि भाई सब्जियां जो होती है वेजिटेबल, हरी सब्जियां वैसे मैं कहूंगा वो जल्दी खराब होती है, इसका आंसर क्या है, ठीक है आंसर उस क्वेश्चन का पानी, ठीक है, पानी छोड़ देती है सब्जियां और उसके बाद खराब हो जाती है, सिंपल सी बात है, आप किसी भी सब्जी को देख लो अगर थोड़ी देर के लिए रखते हो पानी छोड़ जाता है, ठीक है, ज्यादा दिन के लिए रख दो तो। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बाय दिस सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको स्टोर किस में होता है, पहले मैंने वो क्वेश्चन कराया तो अब सेक्रेटेड का पूछ रहा है, बताइए आंसर के उस क्वेश्चन,
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, लीवर। ठीक है, लीवर पूछ रहे थे, इमल्सिफिकेशन का भी लीवर ही होगा, जैसे जैसे हम स्टार्च शुगर खाते हैं। ठीक है, शुगर स्टार्चेशन का बोलो, जो तो एंड प्रोडक्ट है वो एंड प्रोडक्ट जो है क्या है? ठीक है, बताइए आंसर क्या है। तो एंड प्रोडक्ट क्या है दोस्तों? आंसर इसका है ग्लूकोज। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, सोर्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। डाइस्टेस किस में से प्रोड्यूस होता है? एंजाइम का सोर्स है कि भाई डाइस्टेस जो है किस में से प्रोड्यूस होता है, आंसर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डाइजेस्टर किस में प्रोड्यूस होता है, तो आंसर सलाइवा है। चलिए वो क्वेश्चन देखिए, ऐसा कहता है अमाइलेज किस में से प्रोड्यूस होता है? ठीक है, पटाइलिन किस में से प्रोड्यूस होता है? ठीक है, लैक्टेज किस में से प्रोड्यूस होता है? ये सब साइड के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कवर करिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, डाइजेशन और रेस्पिरेटरी पाइप दोनों पार्ट है उसका कौन सा? जैसे अगर कहोगे एक ऐसा पार्ट जिसमें डाइजेशन और रेस्पिरेटरी प्रोसेस दोनों, ठीक है, वो है ओसोफेगस, फूड पाइप कहते हैं इसे, है ना, फूड पाइप। मेटाबॉलिज्म जो है इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म? देखो, मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं, पहले तो ना यार देखो, जैसे अभी मैं ये जो क्वेश्चन एकदम से लगातार कराने लगा हूँ, 7-8 क्वेश्चन मैंने एक ही सब्जेक्ट के कराए हैं, आप चैप्टर नाम बता दो कौन सा। क्योंकि अगर आप चैप्टर के नाम बता रहे हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तभी चैप्टर का नाम तक नहीं बताओ। बताओ कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, लगातार 6-7 क्वेश्चन कराए हैं एक ही चैप्टर के, बताओ। एक ही साथ लगातार 6 चैप्टर 6 क्वेश्चन कराए जो है डाइजेशन की, है ना, सिंथेसिस और ब्रेकिंग डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। डाइजेशन में प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन किसका बनता है? ठीक है, अरे रे, इतना सही है जवाब दिया सर, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी। ठीक है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का बनता है, 22 अमीनो एसिड है जिससे सारे प्रोटीन बनते हैं, कितने, 22, और उन्हीं 22 अमीनो एसिड में से ये क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है सलाइवा, और जो सलाइवा होता है बेनिफिशियल सच में है, क्योंकि हमारे फूड के जो बैक्टीरिया उनको खत्म करता है। ठीक है ना, इट फैसिलिटेट स्वेलिंग। ठीक है, ये सही है। आरबीसी से कुछ लेना देना नहीं है भाई इसको, अरे बी का क्या लेना देना है जो तुम सी आंसर लगा रहे हो? इट कीप द माउथ एंड टीथ क्लीन, बिल्कुल सही है। ठीक है, सुबह उठते हो तो सलाइवा थोड़ा सा कम होता है, तो फ्रेशनेस भी कम ही होती है ना, और क्योंकि सलाइवा जो है वही माउथ और टीथ को क्लीन रखता है, बाकी आरबीसी से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है ना, चल एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा, जब सलाइवा एकदम से गला सूखा हो तो बोला भी नहीं जाता ढंग से, एक क्यों कारण है कि स्पीच फैसिलिटेट भी इसी से होती है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा जो टंग है उसके अलग अलग पार्ट है ना, कि भाई किसका टेस्ट क्या है, कौन से पार्ट का क्या, तो कह रहे जो सोर टेस्ट है वो किस पार्ट में होता है, हमारे जीभ के कौन से हिस्से में खट्टे टेस्ट का जो है पता चलता है, जल्दी से बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए आंसर क्या है। आसान क्वेश्चन है बेटा, इन केस में अगर आपको पीडीएफ आज नहीं दे पाए ना तो मैं कल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रहेगा आज की, आज पीडीएफ नहीं आ पाएंगे, एक्सेस नहीं है मेरे पास ना पीडीएफ भेजने का, तो कल से आपकी पीडीएफ आएंगे, लेकिन हाँ कंटेंट पूरा कर दिया, कल से क्लासेस स्टार्ट कर देना 8 बजे। चलिए, हमारे जो साइड के भाग होते हैं ना वहां पे ही लगता है, लगता है फ्रंट में तो भैया तीखा लग जाता है सीधा, ठीक है, वैसे पीछे की तरफ लगता है एकदम। अरे भाई ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, कौन सा ऑर्गेन है जिसमें विलेय होते हैं, ठीक है, जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं? आंसर इज वेरी क्लियर, आंसर छोटिया। कुछ बच्चे पेट ना लगा, कैरिन डिस्क जो है एडल्ट में कितने होते हैं? 4 हैं, और वैसे अपने पास 4 ही तो हैं। ठीक है, किसी काम के नहीं। एक और क्वेश्चन देखें, ठीक है, चलो तो आंसर क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन कन्वर्ट ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में, कैसे, कौन सा इसका ऑर्गेन कन्वर्ट करता है, बताइए आंसर क्या क्वेश्चन। चलिए, तो आंसर इस क्वेश्चन में लीवर है, ये लीवर है आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, चलो एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखो, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर के, डाइजेशन का प्रोसेस किसके थ्रू होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या।
एंजाइम्स के थ्रू इनको क्वेश्चन टीचर तो बोलेंगे जोड़ डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें से एक हार्मोन है डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे हो, ठीक है बताइए कौन सा हार्मोन है जो डाइजेस्टिव एंजाइम में हो सकता है। ठीक है हार्मोन है इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है ना, ठीक है तो इसलिए डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं हो सकता, इंसुलिन एक कॉमन हार्मोन है शुगर से संबंधित। ठीक है बताइए इस क्वेश्चन, लेमन सिट्रिक एसिड है एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे टार्टिक एमली है, एसिटिक एसिड विनेगर है, स्कोरबिक एसिड का क्वेश्चन आ जाता है, सिट्रिक एसिड का बेसिक है। ठीक है चलिए वो क्वेश्चन, फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, इसमें कौन सा किसके थ्रू एनर्जी नहीं मिलती, बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है, किसके थ्रू एनर्जी नहीं मिलती है इस क्वेश्चन आंसर क्या है, कमेंट करिए जल्दी से बताइए। तो आंसर विटामिन, देखो यार विटामिन वैसे भी बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं और उससे एनर्जी की कुछ नहीं, फैट खा लो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सबसे एनर्जी मिलती है, लेकिन विटामिन की क्वांटिटी इतनी कम होती है उससे एनर्जी का तो कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है ब्यूटी विटामिन हो गया जैसे, ठीक है बताइए कैटल जो है जैसे जो मवेशी होते हैं ना वो क्या होते हैं कि वो ना घास को जल्दी से डाइजेस्ट करते हैं, आम इंसान नहीं कर सकता लेकिन वो कर लेते, क्यों क्यों कारण क्या है उनका जो, ठीक है ह्यूमन है उस पर वो स्लो हो उस सोर्स हो जो है सेव हो जाता है, सेलुलोज जो है ना उसमें जो है कलेक्ट हो सकता है सेलुलोज। ठीक है ग्रास में क्या है सेलुलोज ही तो है, ठीक है तो बस सिंपल सा के सेलुलोज कलेक्ट हो सकता है, ह्यूमन उसमें होता ही है, ये जितने भी मवेशी होते हैं उनमें है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट देयर फूड बिफोर एक्चुअली दे एंटर द ऑर्गेनाइज, और इसमें से कौन सा है जिनके जो फूड है डाइजेस्ट हो जाता है बिफोर दे एंटर द ऑर्गेनिज्म, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन, कमेंट करिए सोल्व करिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर क्या, इस क्वेश्चन का आंसर है बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है ना बैक्टीरिया और फंजाई बिना कंज्यूम करे डाइजेस्ट कर लेते हैं चीजों को, ठीक है स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी डाइजेशन के आज सारे चैप्टर के क्वेश्चन हो जाएंगे, मुझे तो लगा था अलग से कराना पड़ेगा, लेकिन हाँ हम क्या कर रहे हैं हम एक प्रोसेस रखते हैं, आधा घंटा मिसलेनियस करते हैं आधे घंटे में एक चैप्टर करते हैं, तो दो चीजें हो जाएंगी। ठीक है कह रहा है व्हिच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू द स्टमक, आंसर क्या इस क्वेश्चन, कमेंट का पेप्सिन, प्रोटीन का तो पेप्सिन होगा ना, वेसल मैटर जो है किसके थ्रू, ठीक है इजेक्ट होगा तो इजेशन है प्रोसेस है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है, ठीक है पहले तो इनटेक है लास्ट में डाइजेशन जो है उसी के थ्रू फिशल मैटर जो है रिमूव होता है, ये बेसिक क्वेश्चन है स्टेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है ये क्वेश्चन नहीं कर रहा, कौन सा एंजाइम है जो सभी एनिमल किंगडम के मेंबर्स में होता है बस एक को छोड़ के प्रोटोजोआ, बताइए आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चलो भैया जो फनी क्लास बनाने आया रोज आओ फनी क्लास बना लो, ठीक है अपना फन ना बना लेना, पढ़ लेना थोड़ा सा साथ के साथ फनी क्लास के साथ है ना। तो ये आंसर क्या इस क्वेश्चन का, अमाइलेज है, यार ऑप्शन ना किसी और क्वेश्चन के डाल दिए, मैं सोचो अमाइलेज कहाँ से आ गया। ठीक है मतलब ये जो क्वेश्चन है ना ये गलत हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत दे दिया तो ये ऑप्शन गलत हो गए, तो ये गलत हो गया क्वेश्चन है ना, इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखे, इसमें ऐसे मोनेरिया हो गया प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम ऐसे ऑप्शन देने चाहिए। ठीक है चलिए तो इसको भी छोड़ेगी, सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्च है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑब्वियसली सलाइवा से स्टार्च ही डाइजेस्ट हो सकता है। ठीक है इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्गन है जिसमें एसिड होता है, आसान है एचसीएल होता है, ठीक है एचसीएल किसमें होता है जल्दी से बताइए आंसर क्या है, ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिया हमने 70 की जगह ज्यादा क्वेश्चन कर लिया आज। ठीक है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे मैं इसकी बात करूं कि भैया कौन सा ऐसा एसिड होता है तो आंसर है एचसीएल। ठीक है तो ये जो हमारे आज के क्वेश्चन है ये जो हमने निकाले हैं क्वेश्चन इनको आगे भी पढ़ेंगे, देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन है तो अभी आप देख रहे हो ना ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका मैंने अलग से चैप्टर कराना था। ठीक है
कोई नहीं, नहीं हुआ तो अभी चैप्टर, लेकिन हाँ करेंगे आगे भी। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अमन सर टेक्स्ट बुक, ठीक है, मैं आपको इसका पीडीएफ कल दूंगा। आज मैं कोई पीडीएफ नहीं दे सकता क्योंकि आज मेरा पीडीएफ का एक्सेस नहीं है। कल आप अभी जुड़ जाइए अमन सर टेक्स्ट बुक के टेलीग्राम पे ग्रुप में। आज कोई पीडीएफ नहीं आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कल से आएगा, ठीक है। और इस चीज का भी ध्यान रखें कि आप ना ये पूरी टीम के साथ पढ़े, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर दिव्या मैम भी पढ़ाते हैं सुबह, फिर योगेश सर भी सुबह ही पढ़ाते हैं। वैसे रात को भी 2 क्लासेस हैं और सुबह भी 2 क्लासेस है, मैम की 12 बजे क्लास है दोपहर के टाइम पे, ठीक है। तो मतलब ये एक शेड्यूल है, ठीक है। तो इस शेड्यूल को, रेलवे शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो आप, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो देखो, एक तो SSC का फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेंगे मेरे भाई, मैं बताऊंगा रेलवे का भी आप, क्योंकि SSC का तो है ही है, बच्चे ले ही रहे हैं। आपको रेलवे के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रेलवे के बच्चे जो है ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं एक बार, कुछ नहीं करना, जैसे मान लो आप टेक्स्ट बुक पे चले गए, आपने एग्जाम सिलेक्ट किया, आप रेलवे सेलेक्ट करो, इसमें NTPC में जाओ, NTPC जिसने पढ़ लिया उसने सपोर्ट, उसकी फीस इतनी कम रखी हुई है कि NTPC में जो ना इससे भी कम फीस है। आप बस जुड़ोगे ना, जब आप जुड़ोगे, ये वाला कोर्स लोगे, रेलवे के नए बैचेस आ रहे हैं, तो आपको इससे भी कम फीस मिलेगी, ठीक है। और कोड चाहिए होगा, वो कोड अमनदीप होगा, ठीक है। तो इसे यूटिलाइज करिए और बाकी रेगुलर पढ़ते रहिए। आपको 11 बजे आपको क्लास मिलती है मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल, ठीक है। चलिए धन्यवाद, वीडियो को ना लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। PDF मैं ना कल डालूंगा, कल सुबह से 8 बजे से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कल से PDF डालेंगे, ठीक है। ओके बाय।